अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हचन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। उपंगा కాపాడుకోమని చెప్పి మళ్ళొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇందులో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను చాలా మంది పేర్లు మిస్ అయి ఉంటాను। హమారే జిత్నే భీ యహాన్ పే బుజుర్గ్ షామిల్ హై, హమారే భాయి జో ఇస్కే ప్రెసిడెంట్ థే, క్యా నామ్ థా ఉన్కా? ప్రెసిడెంట్ సాహబ్ కహాన్ హై ఆప్కా? ఏం పేర్ హై? ఇదర్ బిలో మనా, ఇదర్ ఔట్ భాయి, భాయి ఇదర్ ఆయీ ఆప్। బాబాయ్ बाबाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इकड़ा स्थानिक कम्युनिटी की बाबूबाई गारू, अदे विधंगा श्रीनिवास गारू इधर कूडा नायकत्वं वहिंची कार्यक्रम चक्कगा चेसिनंदुकु मुख्यंगा आप दोनों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हम सभी की तरफ से। आज शहर हैदराबाद में एक बहुत ही खूबसूरत आज आपने एक एडिशन गवर्नमेंट की तरफ से, और इतने सीमा जी आप भी आइए, लॉर्ड वर्क, थैंक यू सीमा जी, आप आइए इधर, इधर आइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत मेहनत करके हमारे जीएचएमसी, एचएमडीए, रेन वाटर प्रोजेक्ट, गंडीपेट वेलफेयर सोसाइटी वाले बहुत मेहनत करके आज इस स्टेपवेल को इस मुकाम पे पहुंचा है। उम्मीद करता हूं और विश्वास जताता हूं, यकीन जताता हूं कि आप श्रीनिवास साहब, सीमा जी, साथ ही साथ आपके जितने भी भाई है, बहन है यहाँ पे, आप सभी लोग अभी से जिम्मेदारी लेंगे इसका। श्रीनिवास यादव साहब तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आप भी जिम्मेदारी लीजिए, लेके इसको महफूज रखिए। इसको बहुत खूबसूरत जो इमारत आज यहाँ खड़ा हुआ, इसकी पूरी तरह से देखभाल आप दीजिए और जिम्मेदारी आप ही लीजिए। यहाँ कम्युनिटी अगर ओन करती है, कम्युनिटी अगर जिम्मेदारी लेती है, तो यहाँ पे ये जो है एक कल्चर का अड्डा बन जाएगा, एक बहुत ही खूबसूरत, जैसे लामखान है, कोई और जगह है, आर्टिस्ट लोग आएंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे और देशी टूरिस्ट भी बहुत सारे आएंगे और यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, बच्चों के लिए अच्छी बात है और हैदराबाद की खूबसूरती और हैदराबाद की नाम जो है रोशन होगी पूरी दुनिया में। उम्मीद करता हूं आप सारे ही लोग ओन करेंगे इसको और अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, जय तेलंगाना, थैंक यू। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर आप तक।